हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। आई थिंक आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल दीक्षा द ग्लैमर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी डीआईवाई होम रेमेडी के बारे में जो आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर देगी। और गाइस, इसको यूज करने के बाद आपकी जो स्किन है वो आपको खुद पता चलेगा कि वो कितनी क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन हो गई है। तो गाइस, हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, हमारी जो रेमेडी है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो स्किन ग्लोइंग रेमेडी। गाइस, हम लोग इसमें लेंगे पिसा हुआ चावल का आटा। हम एक स्पून चावल का आटा लेंगे गाइस, और इसमें डालेंगे हल्दी, जो कि मैंने आपको बताया था गाइस, फेस पे हम कस्तूरी हल्दी यूज करते हैं। और गाइस, इसमें हम डालेंगे कच्चा दूध। गाइस, फेस पे कभी भी आप जो हम उबाला हुआ दूध होता है वो नहीं डालते हैं गाइस, फेस पे हमेशा जो कच्चा दूध होता है वो ही यूज़ किया जाता है। एंड गाइस, थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे गाइस हनी। हमारी स्किन ग्लोइंग डीआईवाई जो फेस पैक है वो रेडी है, तो हम लगा लेते हैं हमारे फेस पे गाइस। एंड गाइज, इस फेस मास्क को हम अभी अपने फेस पे लगा लेंगे, एंड हम इसे जब ये सूख जाएगा ना, तो उसके बाद हम इसे रब करते हुए हटाएंगे। और जो गाइस हल्दी है, हल्दी हमारे फेस को आपको बताइए जैसे ब्राइटनेस प्रोवाइड कराती है, और जो दूध है वो हमारे फेस को गाइस क्लीन करते हैं, और जो इसमें हमने थोड़ी सी ही हनी मिलाई है गाइस, तो वो हमारे फेस को मॉइस्चराइज देगा। गाइस, अब इसको 20 मिनट्स तक ड्राई होने दें। आप देख सकते हैं गाइस, जो स्किन है मेरी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है गाइस। और इससे गाइस आपको ये प्लस पॉइंट होगा कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल जैसे कांच का ग्लास होता है उसकी तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी गाइस। कि 3 दिन में एक बार इस रेमेडी को कर सकते हैं। एंड गाइस, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपकी स्किन को, आपकी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग हो जाएगी और क्लियर भी रहेगी गाइस। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही कुछ मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद ग्लैम गर्ल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। सो स्टे हाय गाइस।